हेलो फ्रेंड, आपको भी अगर खाना है रेस्टोरेंट जैसे लेमन राइस साउथ इंडियन, तो आइए मेरे साथ में मेरे किचन में। मैं किस तरीके से बना रही हूँ इजी और सिंपल तरीके से, आप देखिएगा। अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कुकिंग विद फरजाना, जहाँ पर आपको इस तरीके से डेली एक न्यू रेसिपी मिलेगी देखने के लिए। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। आइए देखते हैं मेरे साथ में मेरे किचन में ये रेस्टोरेंट जैसा लेमन राइस खिला खिला सा कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अच्छे होंगे, जहाँ भी हो खुश और आबाद हो, हंसते बसते अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो। अल्लाह आपको सेहत और आफ़ियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के। आपने रेस्टोरेंट में बहुत बार लेमन राइस खाया होगा, आज एकदम लेमन राइस मैं रेस्टोरेंट जैसा घर पर आपको बनाना बताती हूँ ईजी और सिंपल तरीके से। जिसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही पानी बॉईल करने, नमक, ये सिंपल से राइस है, खाली मैंने आधा घंटा भिगा के बासमती राइस को और नमक डाल के बॉईल कर ली हूँ। अब मैं इसको छन्नी में छान देती हूँ, फिर मैं आगे क्या है तो आपको मैं बताती हूँ। चावल को देखिए, मैंने छन्नी के अंदर रख दी हूँ, पानी निथार दी उसका मैंने, और जो ये मैं रेस्टोरेंट लेमन राइस बता रही हूँ ये उसके सामान देखे आप लोग। ये काजू है मैंने थोड़े से ली हूँ, ये देखें, और आप चाहे तो इसके अंदर पीनट भी डाल सकते हैं। और एक लेमन ली हूँ मैंने, चिली मैं अपने हिसाब से ली हूँ, आप जितना तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी प्याज ली हूँ, कोथमीर कट करी हूँ, और कड़ी पत्ते इसके अंदर ज़्यादा लेना, क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है तो इसके अंदर कड़ी पत्ते का बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राई है, ज़ीरा है, और ये सॉल्ट है, ठीक है। मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करती क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के लिए। इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो ये अच्छा होता है, आप लोग भी यही यूज़ करा करें पिंक सॉल्ट। और मैं थोड़ा घी डालूँगी, थोड़ा ऑयल डालूँगी, और यहाँ पे देखें आप लोग, ये चना दाल और सफ़ेद उड़द की दाल है। इसको मैंने भिगाई नहीं हूँ, खाली वॉश करी हूँ, क्योंकि इसके अंदर पाउडर वगैरह केमिकल वगैरह रहते हैं ना, तो बिना वॉश करे आप भी नहीं डालें, ठीक है। तो चले आइए हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पैन रख दी हूँ, और आइए इसके अंदर ऑयल, घी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर कोई भी एक यूज़ करना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं भी थोड़ा सा घी डालूँगी इसके अंदर और फिर बाद में ऑयल डालूँगी, ठीक है। और अभी इसके अंदर हम पहले ये एक सूखी मिर्ची मैं डालूँगी इसके अंदर, और काजू ये डाल दिए, फिर इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर ये राई और ज़ीरा जो मैंने रखी हूँ, ये देखिए ये डाल दी मैंने सर। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक टाइम, ये लेमन राइस बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसके साथ में कोई अगर सब्ज़ी तरकारी भी नहीं रहे ना, तो आप ऐसा भी खा सकते हैं लंच बॉक्स में, बच्चों को टिफ़िन में। और यहाँ पे मैंने जो चना दाल और उड़द दाल रखी थी, सफ़ेद उड़द की दाल जो हम जिससे इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, वो दाल है। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साउथ इंडियन खाने में इसी का टेस्ट होता है ज़्यादा। और पीनट हो तो आप डालिएगा, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैंने खाली काजू का यूज़ करी हूँ। और यहाँ पे अगर हम डाल देंगे खूब सारे कड़ी पत्ते, ये देखिए ये जो मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी हुई है, इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ये बहुत झटपट से आपके बनके रेडी हो जाएंगे। चावल तो हमारे बॉईल है, आप इसको बचे हुए चावल से भी घर में बना सकते हैं। बहुत बार देखें हम घर के अंदर राइस बनाते हैं तो हमारे पास में बहुत से राइस बच जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बचे हुए राइस से भी ये लेमन राइस बना के रेडी कर सकते हैं। मेरे पास में राइस नहीं थे इसलिए मैंने राइस को बॉईल करी। अगर आपके पास में बचे हुए राइस है तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट रखी हूँ, वो डाल देंगे हम। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। और आपको
प्याज को वगैरह जलाना नहीं है, ब्राउन वगैरह नहीं करना है, खाली हल्का सा हमको सॉफ्ट करना है बस। अब इसके अंदर जाएगा हल्दी, ये देखिए हल्दी को हम करेंगे मिक्स। देखते देखते चुटकियों में आपका लेमन राइस बन के रेडी हो जाएगा। देखिए शाम के टाइम पे भी मेरे इधर ये कोयल बोल रही है, इतनी प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सबको अपना अपना। ये देखें अब ये जो मैंने राइस बॉईल करके रखी हूँ तो मैं ये इसमें डालूँगी। देख सकते मेरे राइस कितने खिले खिले से हैं। आप बच्चों को सुबह में रात में अगर आपके टाइम नहीं होता है, देखिए मॉर्निंग में बहुत से लेडीज़ों को घर गृहस्थी लेडीज़ों को टाइम नहीं होता है, तो आप इस तरह से रात में राइस को बॉईल करके रख दें और सुबह में बच्चों को है, हस्बैंड को है, लंच बॉक्स में टिफिन में दे सकते हैं बना के। ये देखें झटपट सा आपका ये बन के लेमन राइस रेस्टोरेंट जैसा रेडी हो जाएगा। जब तक अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा इसका टेस्ट का। ट्राई करिएगा, अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे जो नवे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिएगा। मैं कुकिंग विद फरजाना मेरे चैनल पे आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी डेली ब्लॉग देखने मिल जाएगी। तो देखें माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। अब इस पे डालेंगे हम ये कटी हुई कोथमीर और इसको 2 मिनट ढक देती हूँ मैं अभी। अभी हम ये देखें माशाल्लाह स्लो पे मैंने रख दी थी 2 से 3 मिनट के लिए, और ये ज़बरदस्त से हमारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लेमन राइस बनके रेडी है। अब मेन लेमन राइस में बचा है हमारा लेमन, तो अब इसके अंदर मैं 1 नींबू डाल दूँगी। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने 1 लेमन पूरा डाल दी इसके अंदर, ज़रूर बनाइएगा आप लोग। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आपको इसका फ्लेवर और टेस्ट पता नहीं लगेगा। देखिए डाल दी मैंने लेमन भी इसके अंदर, अब हम सब लेमन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इसको मैं 1 से 2 मिनट के बाद फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। राइस भी हमारे देखिए ये अच्छे खासे से हो चुके हैं। गैस को कर देते हैं बंद, ये रेडी है, और फिर आपको मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये रेडी हो गया है, आइए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमारा लेमन राइस कितना मज़े का बना हुआ है, और एक एक दाने इतने खिले खिले हैं ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप लोग, ये देखिए ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं झटपट, अगर आपको कुछ बनाने का नहीं टाइम मिला तो आपके बचे हुए राइस है, या आप बॉयल राइस करके तुरंत भी बना सकते हैं, ये कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, झटपट बन जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको मेरा डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड आज की मेरी रेसिपी बनके रेडी है झटपट से रेस्टोरेंट लेमन राइस, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ऐसी डेली रेसिपी के लिए मुझे अपने प्यार भरे कॉमेंट भेजें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी आप मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। और आपको जो बात चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आऊँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ मैं कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप देख सकते हैं कितने मज़े के खिले खिले चावल है के। अल्लाह हाफिज़।